हेलो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। ये है वो अपनी एनसीईआरटी की बुक और हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे क्वेश्चन 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5। अच्छा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इजी लगते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को अगर आप एक के बाद एक सॉल्व करते चले जाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो भी आसान लगने लगते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक आप वही रखना जो मैं अपने पिछले वीडियो में बोलता आया हूं। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसे पढ़ोगे स्क्रीन पॉज करके और उसके बाद टाइम लगाओगे उस क्वेश्चन के साथ, उसे खुद सॉल्व करोगे और खूब मेहनत करोगे, खुद सॉल्व करोगे और फिर उस क्वेश्चन को क्या करोगे, मेरे सॉल्यूशन से फिर चेक करके देखना, सही है। और यही प्रोसेस एडॉप्ट करते रहो, कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर। तो चलो पहला क्वेश्चन लेके आए स्क्रीन पे। चलो भाई, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज इससे रिलेटेड वीडियो जो कि इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है वो आपने देख लिया होगा। अगर वो वीडियो देख के आए होगे तो इसका मतलब आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते ही कर लोगे, सही है। और अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इत्मीनान से उस वीडियो को देख लो, करो इसे। तो कर लिया बच्चों आपने ये। चलो अब मैं करता हूं इसे सॉल्व, सिंपल है क्वेश्चन। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट की रिलेशन आपको पता है, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ई क्या है आपका, ई है ईएमएफ, वो कितना दे रखा है 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है बताओ, क्वेश्चन में देखो कितनी है, 0.4 ओम्स। अब हमें निकालना है करंट, और करंट भी कौन सा, मैक्सिमम करंट। तो किसी भी सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होता है, जब उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो, सही है। तो यही लिख लो आप, करंट इज मैक्सिमम व्हेन आर इज जीरो, आर मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो। तो क्या हो जाएगा करंट, इक्वेशन हो जाएगी आई इक्वल टू ई अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 0.4। सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट करो, दिस इज इक्वल टू 30 एम्पियर, दिस इज योर आंसर। ये आ गया आपका करंट, ठीक है बच्चों, सिंपल है। मैं हट गया स्क्रीन के आगे से। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, ठीक है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक, करो इस क्वेश्चन को। आपको दिए जाते हैं 5 मिनट, 5 मिनट में इसे फटाफट सॉल्व कर दो। हाँ तो बच्चों करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसका सर्किट समझ लो कि ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर और हमें इसे निकालना है, इसी की वैल्यू पूछी गई है। बैटरी कनेक्टेड है और उस बैटरी की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस हम ऐसे दिखाते हैं,
स्मॉल आर से बैटरी के बगल में। आई करंट फ्लो कर रहा है, ई ईएमएफ है बैटरी की, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होती हैं। जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, उसी से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। हमें दे क्या रखा है, E इक्वल टू ये ईएमएफ कितनी दे रखी है आपको, 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर। हम यहां से R प्लस स्मॉल R निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये आ जाएगा E अपॉन I, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, दिस इज इक्वल टू 20 ओम्स। स्मॉल R 3 ओम्स है, इसलिए R प्लस 3 इज इक्वल टू 20, दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 17 ओम्स। ये तो आपका पहला आंसर हो गया, सही है। अब आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, निकालो। चलो यहां लाइन खींच लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू R। टर्मिनल वोल्टेज होती है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। करंट है 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 17 ओम्स, तो कितना होगा बताओ, 8.5 वोल्ट। दिस इज योर सेकेंड आंसर, हो गया ना। चलो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं 3.3। तो क्वेश्चन 3.3 में पढ़ रहा हूं, थ्री इसके दो पार्ट हैं, ए 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम्स एंड 3 ओम्स आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बी पार्ट है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप Across each resistor। तो चलो इसे भी करो, 3 resistor हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, करो सॉल्व। ठीक है बच्चों, इसमें 3 resistances हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी सर्किट कैसा बनेगा ऐसा देखो, 3 resistances हैं और ये सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी से, ये है R1, R2, R3। R1 है 1 ओम्स, R2 है 2 ओम्स और R3 है 3 ओम्स, और ये जो बैटरी है कितने वोल्ट की है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, I करंट फ्लो कर रहा है। पहले ये पूछ रहे हैं कि साहब ये बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी होगी। तो जब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सही है, आर ई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 6 ओम्स। तो यानी ये जो सर्किट है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम्स। अब सेकंड पार्ट में बताओ ये क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी की 0 है, तो हमें निकालना है V1, V2 और V3 सही है। अब सीरीज में है तो करंट तीनों रेजिस्टेंस में I फ्लो करेगा, I मींस कितने एम्पियर का, अभी करंट निकलेगा है
तो ये करंट कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू V बाय R। पोटेंशियल दे रखी है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, R क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R ही लिख लो, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर हर एक में 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो V1 क्या होगा I इंटू आर वन, ठीक 2 इंटू वन बराबर 2 वोल्ट। V2 होगा I इंटू आर टू बराबर 2 इंटू टू बराबर 4 वोल्ट। V3 होगा I इंटू आर थ्री बराबर 2 इंटू थ्री 6 वोल्ट। जब आप जोड़ोगे इनको वो टोटल EMF ये टोटल पोटेंशियल के पोटेंशियल के बराबर आनी चाहिए, ठीक है 6 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 12। So, this is your second answer. आ गया समझ में? चलो वेरी गुड बच्चों, इसे आप नोट कर लो, फिर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक से फटाफट रब कर दूंगा। इससे क्या है कि आपका समय बचेगा, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है फटाफट नोट कर लो, पॉज करके आपने नोट कर लिया, चलो रब कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक। बच्चों आप हम करेंगे क्वेश्चन 3.4, इसमें रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3 रेजिस्टर्स 2 ओम्स 4 ओम्स एंड 5 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कंबाइंड इन पैरेलल, एक ही बात है। What is the total resistance of the combination? B part है, if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery. तो यहां parallel combination है, सही है, लगाओ दिमाग, ढूंढो न्यूमेरिकल को, सर्किट बना लेते हैं। पहले 3 रेजिस्टेंस है, देखो 1, 2, 3 और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, R1, R2, R3 और एक बैटरी से जुड़ी हुई है। R1 है 2 ओम्स, R2 है 4 ओम्स, R3 है 5 ओम्स। बैटरी की पोटेंशियल कितनी है, EMF कितनी है बताओ, 20 वोल्ट्स। पहला पार्ट ये हमसे कह रहे हैं कि साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ सर्किट की, तो ये होता है RE, RE इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1 upon RE = 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। इसे सॉल्व करो, 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5, ये वैल्यू हमने रख दी 1 upon 2 1 upon 4 1 upon 5। ये आप एलसीएम लोगे 10 plus 5 plus 4 by 20, सो दिस इज 1 by RE, देयरफॉर RE इज 20 by 19 ohms। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आई, अब हमें निकालना है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना करंट है और टोटल करंट, यानी कि ये जो करंट आई जा रहा है इस जंक्शन पे आके यहां डिवाइड हो जाएगा, इसमें जाएगा I1, यहां I2 और R3 में जाएगा I3 और I = I1 + I2 + I3 ये हमें पता है। एक और बात हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगी तीनों रेजिस्टेंस में, यानी इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट, इसके 20 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट, सही है, ये तो फंडा है, क्लियर है।
तो जब वोल्टेज सेम है तो आई वन कैसे निकलेगा? आई वन क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर वन, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर वन। देखो सही है ना, वी इज 20 और आर वन इज 2 10 एम्पियर। इसी तरीके से आई टू कितना होगा? वी बाय आर टू। वी कितना होगा? 20, आर टू 4 5 एम्पियर, सही है। और आई थ्री कितना होगा? वी बाय आर थ्री 20 बाय 5 4 एम्पियर। निकल आए, हर रेजिस्टेंस में करंट आ गया, सिंपल है। और टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट आई, ये वाला, तीनों को जोड़ दो, 10 प्लस 5 प्लस 4 19 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। यूनिट बहुत जरूरी है, सही है बच्चों? आ गया समझ में ये? चलो बहुत अच्छा, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5। तो बच्चों क्वेश्चन 3.5 क्या कहता है? एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम्स। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम्स? रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज, वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। पूछ क्या रहे हैं? टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ के 117 ओम्स हो गई। करो इसे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सही है। तो बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं तो इसका वीडियो लेक्चर अटेंड कर लेना और ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी। तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर 27 अपॉन आर 27 इंटू टी माइनस 27। तो आर टी, टी टेम्परेचर हमें निकालना है, इस पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, टी 27 यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रेजिस्टेंस होगी ये भी हमें दे रखा है, ठीक है। और टी यानी वो टेम्परेचर जो हमें निकालना है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ये भी हमें पता है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, बताओ क्या क्या दे रखा है। आर 27 है 100 ओम्स, आर टी है 117 ओम्स, अल्फा है 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमें निकालना है टी, ठीक है, टी निकालना है। फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, टी माइनस 27 इधर ले जाओ, टी माइनस 27 इज इक्वल टू आर टी माइनस आर 27 अपॉन आर 27 इंटू अल्फा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, आर टी है 117 माइनस 100, ठीक है, आर 27 है 100 और दिस इज 100 इंटू अल्फा इज 1.7 × 10⁻⁴। इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 1000। तो t माइनस 27 इज 1000, दिस शोज दैट t इज इक्वल टू 1027, ठीक है। और यूनिट क्या होगी? डिग्री सेंटीग्रेड, सही। यूनिट के बगैर सब अधूरा, लो हो गया आज का काम पूरा, ठीक है। लो मैं हट गया,
या पहले बाय कर देते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, करो इन न्यूमेरिकल्स को बाय। मैं हट रहा हूं, नोट कर लेना अपनी नोट कॉपी में। बाय।